मेरे पास तो प्रोड्यूसर और जो राइटर थे उनका मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपसे दो गाने गवाना चाहते हैं। और तो जैसा मेरा एक है कि मैंने गाने मंगवाए, मुझे बहुत अच्छे लगे गाने, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। आपने देखा शुरुआत में जो जो नंबरिंग टाइटलिंग पे जो गीत है वो मेरा ही गाया हुआ है, शुक्राना। बहुत अच्छा गाना लिखा हुआ है और बहुत अच्छा कंपोज था। म्यूज़िक डायरेक्टर जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और बाकी तो आपने सब देखा है उसको, जिस तरह मतलब पूरी शिद्दत के साथ निभाया मैंने, कि बहुत ही प्यारा थीम है, एक बड़ी फैमिली ड्रामा है। और बहुत अच्छी मुझे स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी, तो उसका ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस गीत के ज़रिए। तो ये है इस गीत के बारे में। एक्चुअली पहली बार उनके लिए गाया है और मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, आई एम सॉरी। बट हाँ, शायद भोजपुरी फिल्म करती हैं वो, पर अच्छा है, एक पंजाबी फेस लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। और जो है पंजाबी तो आजकल डबिंग हो जाती है, और जो आर्टिस्ट हैं वो वैसे भी उनको एक दात है कि वो एक्सेंट भी बना लेते हैं, कर लेते हैं, मेहनत करते हैं। तो उस हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा। और बालीजी की फर्स्ट फिल्म है उनके लिए, तो मैं उन्हें सिर्फ आशीर्वाद दे सकती हूँ और उनके लिए जो है उनको गुड विशेस देती हूँ मैं, कि ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो। आजकल तो बॉलीवुड बॉलीवुड दोनों ही धमाल करते हैं। और अभी तो पंजाब का आप देख ही रहे हैं कि हिंदी फिल्म में भी, जब से ये भी आप लोगों को याद होगा कि 90s में जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, उस वक्त से मैंने इतने सारे इंडस्ट्री में गाने गाए जो पंजाबी बेस थे हिंदी, लेकिन उसमें पंजाबियत थी और पंजाबी लहजे के साथ गाए गए मैंने। और सुखविंदर ने, सोनू निगम ने, हमने बहुत सारे ऐसे गीत गाए जो पंजाबी स्टाइल के थे। तो वो तब से चल ही रहा है और अब तो उसका बहुत दबदबा हो गया और बहुत इंटरनेशनली इतना उसका एक असर हो गया है पूरे मार्केट के ऊपर, कि कोई भी महफिल, कोई भी ऐसी जगह नहीं है, क्लब नहीं है जहाँ पंजाबी गाने ना बजें। पंजाबी गानों को नया रूप दे दिया है, नई शक्ल दे दी है। और ये इनमें से बहुत गाने तो बहुत पुराने हैं जो मेरे मतलब मेरे फादर साहब और उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे, उन लोगों के किए हुए गाने हैं, उनको भी रीमिक्स किया जा रहा है, दोबारा रीडू किया जा रहा है। और उसके अलावा नई नई कंपोजिशन नए नए कंपोज़र्स कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। उनमें से कई तो बहुत मज़ा आता है सुन सुन के, कि बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत नए लोग गा रहे हैं, तो अच्छा ही है, लोग पसंद कर रहे हैं। ये कुछ भी मतलब कोई भी उठ के मतलब कमेंट करने लगता है, उनकी अच्छाइयों को देखिए आप, उनकी कोई भी माइनस पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, नेगेटिविटी पे ना ज़्यादा ध्यान दें। बच्चे हैं वो, उनको मतलब सिखाया जा रहा है। आज कौन बच्चा है जिसे नहीं मालूम है कि क्या है? आज तो बहुत ही एडवांस हो गए हैं बच्चे, उनको पढ़ाइयाँ में समझाया, पढ़ाई भी कराई जाती है तो उनको नॉलेज दी जाती है हर चीज़ के बारे में। हम लोग छोटे थे तब हमें भी बताया गया कि कौन सी चीज़ कैसे, हमें स्कूल में बताया जाता था कि इस चीज़ से उसको हम आई थिंक पॉजिटिव तरीके से लें, उसे नेगेटिव तरीके से ना लें। बच्चे बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं, एक के बाद एक बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स ठीक है, वो थोड़ा माँ बाप को ये थोड़ा सा समझना है कि बच्चे जो हैं इसके साथ साथ वो एक ट्रैक पे रहें, ट्रैक से जो हैं वो डिटूर ना हो, अलग ना हो, तो वो चीज़ है। बट आई थिंक ओवरऑल तो मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं देखा जिस पे मैं कहूँ कि ये बुरा है या कुछ है। बाकी अपने अपने व्यूज़ हैं सबके, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपके अपने व्यूज़ हैं, आप अपने व्यूज़ बोल सकते हैं, कह सकते हैं। उस पे आप देखिए कितने मुद्दे खड़े होते हैं, कितने दब जाते हैं, कितना उनका कुछ नहीं होता। तो ये ऐसे ही है, ये तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा ही होगा, तो वो होना ही है। सो इट इज़, लेट इट बी द वे इट इज़, आई थिंक दे विल हैंडल इट। हमारे जो डायरेक्टर है मिस्टर बाली जी, उनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है।
धरती पुत्र मेरी उनने डायरेक्ट की थी, जिन्हें वो एक्टर भी थे डायरेक्टर भी थे, मैं प्रोड्यूस किया था पिक्चर। और वो आदमी अच्छे डायरेक्टर है, जब वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये सब्जेक्ट ऐसा ऐसा है, इमोशनल है, फैमिली की कहानी है, उसमें आपके 5-6 सीन्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये सीन्स करें, क्योंकि वो राजपूत दिखने चाहिए थे पगड़ी बगड़ी बांध के। तो बोला ठीक है, मैंने उन्होंने मुझे एक थॉट सुनाया, मुझे थॉट बहुत पसंद आया और उन्होंने बताया कि ये सारी ये पिक्चर है जो भी लैंग्वेज में बनी है ज़बरदस्त चली है, अच्छा बिजनेस किया है। और राजकुमार जी हमारे प्रोड्यूसर है और बहुत बढ़िया नेक इंसान है राजकुमार जी, दोनों की टीम इतनी अच्छी है कि मैं पंजाब गया था शूट करने, और जब आज मैंने पिक्चर देखी फर्स्ट हाफ तो मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी। और दिल से बोल रहा हूँ कि पिक्चर और पिक्चर से अलग है, इसमें रैप नहीं, ये नहीं, ड्रग नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, एक प्योर एकदम फैमिली ड्रामा है, जो एक फैमिली के घर पे 3 बच्चे की माँ है, उसका पति दरोड़ा है, दारू पीता है, और एक विलन है जो महेंद्र गुलाटी, जो अपनी जगह लेने के कैप्चर में है, और कैसे कैसे इमोशनल। अभी सेकेंड हाफ में और भी पिक्चर इंटरेस्टिंग होगी, आई डोंट वांट टू ओपन द स्टोरी, जब आप देखोगे। और मेरा दिल बोलता है कि मैंने जब ये पिक्चर की कहानी सुनी थी तो मेरा दिल से आवाज आई थी कि मिस्टर टीनू वर्मा यू मस्ट डू दिस फिल्म। और मैंने बालीजी को, मैंने जो भी बालीजी आप मुझे बोलना, कितने तारीख देना है, कितनी डेट्स पे कब आना है, कहाँ जाना है, दर्शन गाना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, ओपनिंग का गाना भी अच्छा लगा, गोल्डन टेम्पल को भी बहुत अच्छा मुझे इन्होंने प्रेजेंट किया है, और म्यूजिक पिक्चर का बहुत अच्छा है, और सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, सेटिंग डिपार्टमेंट अच्छा है, घर अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, सिंगर अच्छे हैं, एक्टर है, गिगू जी है, रानी जी है, सब में काम में दिल से काम किया। देखो जब कोई एक टीम जीतती है तो जीतने में सारे लोगों का की भूमिका स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे लाइट बॉय हो, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, जब पिक्चर चलती है तो श्रेय सबको मिलने चाहिए। आज आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग जब इंटरव्यू छापोगे और जब आपको पता चलेगा पिक्चर चली है तो आपको भी एक सीना चौड़ा हो जाएगा, बोला हाँ भाई हमने पिक्चर का इंटरव्यू लिया था जब हमने पिक्चर देखी थी। नहीं अभी मेरा अभी चल रही है अभय सेना की 2 पिक्चर फ्लोर पर जा रही है मेरी, लंदन में शूट कर रहा हूँ और उसी में मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, और चल रहा है एक्शन चल रहा है, टीवी सीरियल चल रही है, टीवी सीरियल थोड़ा कम कर दिया मैंने, इट्स गोइंग ऑन, शो शुड बी गो ऑन। फिल्म का नाम है आसरा और ये जो कहानी है एक पारिवारिक कहानी है जो कि पंजाब में अक्सर हर घरों में मोस्टली पाया जाता है कि जो आदमी होता है ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग मोस्टली ड्रिंक व्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, तो ये एक खुशहाल परिवार में एक यही एक माइनस होता है कि वो ड्रिंक करता है, उनका अच्छा परिवार, उनकी वाइफ है, वो दोनों अनाथ आश्रम में पले होते हैं और वाइफ सिंगर होती है और अच्छा बच्चों को गाना सिखाती है, तुम कुछ तो उससे क्या नेगेटिव होता है, मतलब पीने से क्या नुकसान है, जो पीने से उसने मतलब बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, बच्चा एक पोलियो हो गया, तो उसको सबको संभालती है उसकी वाइफ, चन्नी नाम है उनका, जो हमारे किरदार है रानी चटर्जी ने बड़े अच्छे से निभाया है, मतलब मैंने जितना सोचा नहीं था उससे मतलब 100-200% उन्होंने अच्छा किया, और मैं बड़ा फख्र के साथ बोलता हूँ भाई हमारी हीरोइन है भाई बहुत अच्छा किया, बहुत इन्होंने अच्छा किया, और पंजाबी बहुत अच्छी इन्होंने बोली, तो इन्होंने बोला कि मैं ऑडिशन भी दूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप पंजाबी बताइए, और इन्होंने एज एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और यहाँ तक कि हमारे जो हीरो गुगू जी हैं, गुगू गिल जी, उन्होंने ऑलरेडी पंजाबी के स्टार सब हैं, पंजाबी पिक्चरें कर चुके हैं, उन्होंने काफ़ी बोला कि इतनी अच्छी पंजाबी, तो पहले तो उनको लगा पंजाबी लड़की है, तो मैंने बोला भाई ये है ही पंजाबी, अभी पंजाबी नई पंजाबी बनी है तो कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस पंजाबी पिक्चर करके? ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज़्यादा पहले तो नर्वस थी क्योंकि पंजाबी पहली फिल्म थी, पंजाबी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, बट आपने जितनी मेहनत की, पूरी टीम ने जितनी मेहनत की, सिखाया मुझे हर एक एक डायलॉग के मीनिंग्स मुझे बताए, तो मेरी भी हिम्मत हुई कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो बस बहुत बहुत मज़ा आया। और मतलब चन्नी जिस तरह का किरदार है या जो स्टोरी है
अपने आप में एक बहुत ही दमदार किरदार है चन्नी, उसको निभाने के लिए आपने मुझे चुना, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। आपको अमृतसर जाके कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत खाया वहाँ का खाना कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा अमृतसर, मुझे जब भी मौका मिलेगा दोबारा। आधे सरदार तो पागल हो गए कि रानी चढ़ रही जी, और रानी कम रानी रानी और रानी या रानी और रानी अपनी रानी है, तो उधर रानी को रानी बोलते हैं, तो हमारी रानी भी रानी बन गई वहाँ पे, और बड़ा अच्छा किया, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ऑडियंस बहुत अच्छी है, जहाँ मैं रुकी थी वहाँ पर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब एक घर जैसा माहौल था मेरे लिए। इस वजह से शायद मैं और अच्छे से पंजाबी बोल पाई, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बिल्कुल अलग तरह जगह से एक नई जगह गई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और माहौल पूरा पंजाबी का रहता था, जैसे पंजाबी बोलना हमको, मैंने बोला सत श्री अकाल बोलो, ये सब चीज़ें बहुत माहौल तो वही था। और मैं कोशिश करती भी थी कि मैं थोड़ा बहुत सीखूं पंजाबी, और मैंने काफ़ी हद तक मुझे लगता है 80% अब मुझे समझ में आने लगी है पंजाबी, तो और दो तीन फिल्में बुक करूँगी तो एकदम एकदम फिर सत श्री अकाल करेंगे। क्या है ना, सबक तो देखो इंसान को सीखते ही रहना चाहिए, हमारी क्या कमियाँ हैं, कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, उसको सुधारना चाहिए। आज पंजाबी का बहुत अच्छा मार्केट है, और ऐसा नहीं कि वो हमेशा अच्छा है, और कभी कभी वो उसका भी जहाँ गलतियाँ होती हैं तो वो चीज़ें ख़राब होती हैं, बस वही चीज़ें उनको तो संभालना चाहिए। गाँव कॉटेज नंबर 1303। अच्छा, वो अभी आई नहीं, अभी उसको भी रिलीज़ करनी है, उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट मेरा पंजाबी का। क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ। अच्छा, तो पंजाबी मूवी तो चाहिए मेरे को बनानी। क्या बात, कब तक रिलीज कर रहे हैं? रिलीज बस जल्दी रिलीज हो जाएगी, बस ये जुलाई या अगस्त में हो जाएगी रिलीज। तो इमोशनल है, बाकी ये स्टोरी मैं भी नहीं बता सकता। नहीं, मतलब टाइटल जो आपने रखा है, टाइटल हाँ, टाइटल आसरा। तो हिंदी टाइटल है आसरा, आसरा नहीं, पंजाबी में भी आसरा होता है, रब दा आसरा। मतलब इसमें एक इमोशनल स्टोरी है, इसमें दिखाया गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसको भी कोई ना कोई आसरा मिल जाता है। मैं आसरा फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, DH Harmony। तो DH Harmony, हाँ, तो ये भी मेरा पहला है पंजाबी फिल्म है, पहला प्रोजेक्ट। हाँ, पंजाबी फिल्म पहला है। okay. हिंदी फिल्म तो मेरा बहुत सारे आ रहे हैं, गोविंदा जी का आ रहे हैं, हसीना में मेरा गाना था, हसीना फिल्म में मेरा गाना था, पाटिल फिल्म में मेरा म्यूजिक था। तो पंजाबी मेरा पहला फिल्म है, और पंजाबी तो बहुत लवली म्यूजिक होता ही है, बॉलीवुड में भी हम लोग पंजाबी करते रहते हैं, लेकिन ये पूरा बेसिक पंजाबी फिल्म मेरा पड़ गया पहली बार। दो गाने हैं, एक मास्टर सलीम जी का है, सूफी जसविंदर जी का, और बहुत इमोशनल फिल्म है, बहुत अच्छा आप लोग मजा। रब्बा तेरी रजा बिच हो जाता कि वो मास्टर सलीम जी का है और जसविंदर जी का है। राजकुमार जी बहुत अच्छे इंसान हैं, प्रोड्यूसर भी बहुत उमदा है, और बाली जी का डायरेक्शन भी अच्छा है, और फिल्म कॉन्सेप्ट राजकुमार जी जो चुने हैं बहुत अच्छा है, इमोशनल फिल्म है, सोशल मैसेज भी है, और एक इमोशनल है जो